हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स, या अलग अलग नाम से भी जाना जाता है एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन जाननी होती हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से रिएक्टेंट जो है कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अगर हम मेन दो कैटेगरीज में रिएक्शंस को डिवाइड करें तो एक होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। पहले तो हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल माइनस चार्ज कौन सॉरी, लव करेगा, एक पॉजिटिव हाँ चार्ज लव हाँ करेगा ना। ई प्लस न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल को कौन लव करेगा? एनयू माइनस तो पहली बात, कभी भी इन चैप्टर में ये मिले तो ये समझ जाना कि क्या है, ओके ठीक है। अब रिएक्शंस कैसी हो सकती हैं? या तो नॉर्मल एक अटैक हो सकता है ना, कोई भी नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव चीज क्या करेगी, किसी पे अटैक कर देगी। या तो फिर क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि अटैक करके सब्स्टिट्यूट कर दे। या तो फिर क्या हो सकता है, बेस आ सकता है। एक बेस क्या कर सकता है, एच प्लस को खा जाता है बेस, ये पता। तो अब हम इस टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं, जो दो मेन टाइप की रिएक्शन है, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि सपोज करो यहाँ पर, मैं बाकी ग्रुप्स नहीं बना रहा, सपोज करो ऐसा था, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आ जाए और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करे, यहाँ पे आके अटैक करे और ब्रोमीन को लात मार के भगा दे, तो क्या होगा? HCCNU, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, ब्रोमीन हट के बस न्यूक्लियोफाइल लग गई। वहीं पे अगर एलिमिनेशन की बात होती तो ये HBr को एलिमिनेट कर देते। एलिमिनेशन में क्या होता है कि कुछ निकल जाता है, जैसे सपोज करो एक बेस है, तो बेस ने ये H प्लस अगर खींच लिया तो यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ से Br निकल जाता है। इसको अगर बेटर रिप्रेजेंट करूं मैं तो लेट मी शो यू, ये एच, ये बी आर, तो ये ओ एच माइनस क्या करेगा, ओ एच माइनस इस एच प्लस को खींचेगा, एच प्लस को खींचा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये माइनस चार्ज क्या करता है, नीचे गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है और ये ब्रोमीन निकल जाता है। बेस कोई भी हो सकता है, ओ एच माइनस हो जाए, एन एच टू माइनस हो जाए, वो क्या करेगा, एच प्लस को खींचेगा और एच प्लस को खींचेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में, तो एलिमिनेट हो गया। देख रहे हो तुम यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, एच बी आर एलिमिनेट हो गया। तो दिस इज द जनरल आइडिया कि इन दो टाइप की रिएक्शंस के बारे में हम मेजरली डिस्कस करने वाले। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक को हम लोग जनरली SN के फॉर्म में लिखते हैं, SN1, SN2, 1 और 2 क्या है वो समझेंगे, और एलिमिनेशन को E के फॉर्म में, राइट।